गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? चलिए हम लोग असाइनमेंट नंबर 3 के बच्चों, जैसे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है जहाँ पे आपको डाउट हो सकता है, दिक्कत हो सकती है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। यहाँ दे रखा है साइन वर्स 2x अंडर रूट 1 - x² बराबर 2 साइन वर्स x और 2 कॉस इनवर्स x। ये देखो, ये बच्चों ये आइडेंटिटी है, ये दोनों के बराबर होती है, ठीक है। अब वो कैसे होती है, हम दोनों लेके चलते हैं बच्चों। यहाँ मैंने बच्चों के लिए टेकिंग एलएचएस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो भाई इसका इनवर्स क्या होगा ये बताओ जरा मुझे। इसका इनवर्स होगा साइन इनवर्स x बराबर थीटा। जब मैंने यहाँ पुट किया बच्चों साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, x ही चले आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बच्चों कितना होता है cos थीटा, cos स्क्वायर होगा, रूट से फ्री होगा, और 2 sin थीटा cos थीटा बच्चों फॉर्मूला किसका होता है, sin 2 थीटा का। ये इसके इनवर्स है बच्चों, क्या आएगा 2 थीटा, और बच्चों थीटा का मैंने क्या माना था sin इनवर्स x, तो भाई इसका एक पार्ट प्रूव हो गया बच्चों। यहां पे बच्चों इसका एक पार्ट क्या हो गया बच्चों, प्रूव हो गया। कोई डाउट है किसी को क्या? देखो बच्चों, वो सब्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करता है कि 2 sin इनवर्स कब आता है, 2 cos इनवर्स कब आता है। अभी आप रेंज पे ध्यान मत दो, वो सब चीजें बात की बात है। अब एक चीज देखो, देखो यार, अगर मैं यहां पर, ये तो बच्चों मेरा प्रूफ हो गया, अब मैं ये वाला पार्ट प्रूफ कर रहा हूं। अगर मैं बच्चों यहां पर साइन की जगह क्या मान लेता बच्चों, कॉस, तो भाई इसका इनवर्स क्या आया था, कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा। यहां पर क्या आया था बच्चों, यहां आ जाता 2 कॉस थीटा, यहां आ जाता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस क्या आया था कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है बच्चों साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर रूट से फ्री होने के बाद क्या आएगा साइन, ये कॉस, ये 2। फॉर्मूला बच्चों फिर से किसका होता है साइन 2 थीटा का, ये कैंसिल आउट 2 थीटा, और थीटा बच्चों मेरा यहाँ पर क्या है कॉस इनवर्स एक्स। तो भाई ये आइडेंटिटी दोनों की इक्वल होती है। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट याद रखते हैं तो और फायदा रहता है कि भाई साइन 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों हमारा। क्वेश्चन नंबर अब बच्चों मैं ले रहा हूँ 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, अब बोलोगे आप लोग सर ये तो आप करा चुके हो। बच्चों मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन वहां पे मैंने एक तरीके से कराया था और उस समय जो डिमांड थी वो आप लोगों के लिए वही वाली थी। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है तो आप लोग वो वाली चीजें और समझ सकते हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था बच्चों, यहाँ से यहाँ प्रूफ किया था, अब हम लोग उल्टा प्रूफ करेंगे। आप लोग एक चीज देखो भाई, 2 tan इनवर्स थीटा, इसका फॉर्मूला बच्चों कॉस इनवर्स में कितना होता है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कितना होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब भाई यहां पर अगर देखा जाए तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं बच्चों कि cos इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan इनवर्स थीटा। यहां मैंने बच्चों यहां पे मैंने लिया टेकिंग RHS, RHS में बच्चों कितना है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। तो भाई यहां देखो 1/2 cos इनवर्स, इसको अगर बच्चों मैं स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखूं, यहाँ पे इस पर आ रहा है, तो इसको लिखने के लिए मुझे यहाँ पे रूट मानना पड़ेगा इसको, और नीचे वाले को बच्चों क्या मानना पड़ेगा रूट एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ देखो cos इनवर्स 1 माइनस थीटा स्क्वायर 1 प्लस थीटा स्क्वायर, इस पूरे का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है दैट इज 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x की जगह बच्चों क्या आ गया है रूट एक्स, 2 से 2 कैंसिल आउट एंड दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया tan इनवर्स रूट एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू LHS। Hence, ये वाला पार्ट क्या हो गया बच्चों प्रूव हो गया। कोई डाउट किसी को सजेशन में नोट डाउन करिए बच्चों यहाँ पर जल्दी से फटाफट। क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 साइड में करा चुका हूं बच्चों, अगर फिर भी नहीं होता है या 13 आपको ऐसा लगता है कि मैंने नहीं कराया है, क्योंकि मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैं शायद प्रीवियस लेक्चर में इसको ले चुका हूँ, ठीक है। और फिर भी अगर आप लोगों से नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा, तो इसको हम लोग वीडियो में कवर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 13 वाला, वैसे करना कुछ नहीं बच्चों, टेन वर्स है बाहर उसके कॉस, तो भाई पहले आपको टेन वर्स को क्या मानना, वही राइट एंगल ट्रायंगल मानोगे, वहां से कॉस इनवर्स निकालना, कॉस से कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा सॉल्व होगा, फिर आएगा कॉट इनवर्स, बाहर क्या है साइन, तो कॉट इनवर्स में राइट एंगल ट्रायंगल मान के चलना, और वहां से निकालना साइन इनवर्स, तो बाहर क्या है साइन है आपका, आपस में सॉल्व हो जाएंगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा,
क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले सोच रहा हूँ कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले लूँ पहले, है ना। चल ले लेते बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है बच्चों, टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आएगा बच्चों साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और ये जो रिजल्ट है बराबर आएगा बच्चों कॉट इनवर्स रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए। ये देखा बच्चों, तो यानी कि ये वाला रिजल्ट बच्चों ये भी बराबर होगा, ये वाला रिजल्ट भी बराबर होगा, जैसे हम लोगों ने भी किया था टू साइन इनवर्स एक्स वाला टू कॉस इनवर्स एक्स वाला, सेम कंडीशन है। मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ बच्चों, पहले ये वाला पार्ट लेके चलता हूँ, ठीक है। टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दे रखा है भाई। यहाँ अगर मैंने आप लोगों को बताया सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से रखा था, आप एक ही जगह क्या मान के चलो, वन वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाली यानी कि वन माइनस साइन स्क्वायर या वन माइनस कॉस स्क्वायर। अब भाई आपके पास दोनों चॉइसेस हैं यहाँ पर, आप यहाँ पे एक्स की जगह ए साइन थीटा भी रख सकते हो, आप एक्स की जगह ए कॉस थीटा भी रख सकते हो, लेकिन आपको खुद देखना भाई यहाँ पे साइन आ जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा, मतलब नहीं कि यानी कि कुल मिला के यहाँ पे साइन रखने का ज्यादा फायदा है बच्चों। अब यहाँ से बच्चों एक्स अपॉन ए बराबर क्या हो गया, साइन थीटा, देन थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। मैं क्या पुट कर रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ एक्स बराबर ए साइन थीटा। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों, टेन इनवर्स एक्स की जगह बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, ए साइन थीटा, नीचे कितना आएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए साइन थीटा रखोगे स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वैसे मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, बट फिर भी मैं चाहता कि कोई डाउट रह जाए, सही है। यहाँ आप देखो बच्चों ए स्क्वायर दोनों में कॉमन है, यहाँ आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप जानते हो भाई वन माइनस साइन स्क्वायर बच्चों कितना होता है कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर बच्चों बाहर आएगा ए आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर होता है बच्चों कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाहर आएगा बच्चों कितना आएगा कॉस थीटा, ए से ए बच्चों कैंसिल, साइन अपॉन कॉस कितना होता है बच्चों, साइन अपॉन कॉस होता है बच्चों टेन थीटा, टेन और टेन इनवर्स आपस में सॉल्व होंगे दैट इज इक्वल्स टू थीटा, और थीटा बच्चों मेरे कितना आया था मेरे पास दैट इज साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये वाला रिजल्ट था, प्रूव हो गया, यस और नो, टेक स्क्रीनशॉट फटाफट जल्दी से। मौसम बच्चों बेहाल भी है अच्छा भी है, चलिए आगे बढ़ो। अब भाई ये तो हम लोगों ने टेन इनवर्स से प्रूव किया है, अब मैं कॉट इनवर्स से बच्चों प्रूव करूंगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट ही है, देख लो भाई बच्चों एक चीज देखना, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ ए नहीं होगा बच्चों यहाँ एक्स होगा, कोई अगर व्यक्ति लगा रहा हो बहुत समय तक ए से आंसर नहीं आएगा बच्चों, ए से आंसर आएगा एक्स से, तो ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है दीदी से लिखने से, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ एक्स होगा न कि ए। अब बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा टेकिंग आरएचएस कॉट इनवर्स रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कॉट इनवर्स अंडर रूट के अंदर, अच्छा मैंने बच्चों यहाँ तो पुट किया तो नहीं, यहाँ किससे रखने से फायदा आएगा भाई, यहाँ देखो भाई यहाँ भी फायदा होगा ए साइन थीटा से, तो एक्स अपॉन ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा, देन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू थीटा। यहाँ रखने का फायदा क्या है, थोड़ा सा बच्चों आपको खुद अपना ब्रेन चलाना पड़ेगा, अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर आएगा वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, कॉस बाहर आएगा नीचे आएगा साइन कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, बाहर भी कॉट इनवर्स है, तो साइन रखने का जल्दी फायदा है। अब भाई मैं यहाँ पे रख रहा हूँ यहाँ पर, तो देखिए यार कॉट इनवर्स अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर एक्स की जगह बच्चों मैं रखूंगा ए साइन थीटा, कितना हो जाएगा भाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बच्चों क्या हो जाएगा ए साइन थीटा, बात क्लियर। अब क्या करना है बच्चों यहाँ पर कॉट इनवर्स, यहां से बच्चों जब आप लोग कॉमन निकालोगे ए स्क्वायर अंदर आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर और नीचे आएगा बच्चों ए साइन थीटा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे भाई ए स्क्वायर बाहर आएगा रूट के ए आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, रूट से फ्री होने के बाद कॉस हो जाएगा, नीचे आएगा बच्चों ए साइन थीटा, ए से कैंसिल आउट एंड कॉट इनवर्स
कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, दैट इज कॉट थीटा, कॉट इनवर्स और कॉट आपस में सॉल्व होंगे और सॉल्व होने के बाद बच्चों थीटा आएगा एंड थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये दोनों आइडेंटिटी किसको बराबर है, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। और इस तरीके से क्वेश्चन हमारा क्या हो गया बच्चों, सॉल्व। नोट डाउन, क्वेश्चन नंबर 19 ले रहा हूँ बच्चों, मैं वो क्वेश्चन ले रहा हूँ जो मुझे लगता है कि हाँ भाई आप लोग थोड़ा सा टिक सकते हैं उसमें। वैसे मुझे नहीं लगता कि लेवल मैंने इस तरीके से रखा है बच्चों, असाइनमेंट तो मेरे पास बहुत सारे हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है टेन इनवर्स cos x upon 1 minus sin x और माइनस का cot इनवर्स रूट के अंदर 1 plus cos x upon 1 minus cos x and that is equals to pi by 4। यहाँ तो बच्चों डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है, आप लोगों को आइडेंटिटी लग रही है, फॉर्मूला लग ही रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करो। आप लोगों ने अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो इंडिपेंडेंट थे, ये अलग सॉल्व किया है, ये अलग सॉल्व किया है, अभी कंबाइंड होके आ गया है और आपको प्रूव करना है बच्चों पाई बाय 4 के। तो मैं भाई यहां पर LHS लेके चल रहा हूं, टेकिंग LHS। LHS में आपको ने देखा भाई इस तरीके की कंडीशन को सॉल्व करने का तरीका मैंने क्या बताया, अगर 1 के साथ cos होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पे 1 के साथ sin है और यहां पे सिंगल है cos। तो मैं फॉर्मूले बगल से लिख देता हूं जिससे आप लोगों की याददाश्त क्या हो जाए, ताजा हो जाए। तो हम लोगों ने बच्चों फॉर्मूला पढ़ा था cos x का, फॉर्मूला होता है बच्चों cos स्क्वायर x / 2 माइनस का sin स्क्वायर x / 2, ये होता है। और हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा बच्चों 1 माइनस sin x का, फॉर्मूला क्या था बच्चों cos x / 2 माइनस sin x / 2 का होल स्क्वायर। और हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा बच्चों 1 प्लस cos x का 2 cos स्क्वायर x / 2, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा बच्चों 1 माइनस cos x का दैट इज 2 sin स्क्वायर x / 2। ये सब आपको मुंह जान के आनी चाहिए बच्चों, याद होना चाहिए, तब जाके तो मजा आता है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों cos स्क्वायर x / 2 माइनस का sin स्क्वायर x / 2, 1 माइनस sin x की जगह आ जाएगा cos x / 2 माइनस का साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां आप कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बच्चों कितना हो जाएगा, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 माइनस कॉस एक्स कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये बात क्लियर। यहां दिख रहा होगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है आप लोगों को से यस और नो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और इनटू में बच्चों ए प्लस बी, नीचे आपको दिख रहा होगा कॉस एक्स बाई टू। वैसे मैंने ये पर्टिकुलर आपको करा रखा है तो मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट पर किसी को भी दिक्कत होगी भाई। स्क्वायर था बच्चों मैंने दो पार्ट में लिखा, ये वाला पार्ट इससे क्या होगा बच्चों कैंसिल, यहां आपको दिख ही रहा बच्चों 2 से 2 कैंसिल आउट, कॉट इनवर्स है, यहाँ पर आ जाएगा cos अपॉन साइन क्या होता है cot, cot होता है, स्क्वायर लगाया cot स्क्वायर हो जाएगा, रूट से फ्री होगा बच्चों कितना आ जाएगा cot x / 2। फिर भी अगर मान लो किसी पॉइंट पर आपको दिक्कत होती है आप स्क्रीनशॉट खींचना और मुझे भेज देना, ठीक है। सर ये वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर मैं देखूंगा वर्बली अगर सही हो जाए तो बात ठीक है, नहीं तो उसको वीडियो में इंक्लूड करेंगे बच्चों, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले बच्चों रटे हुए होने चाहिए आप लोगों को बिल्कुल, तब तो मजा आता है। लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दिक्कत क्यों देता है, उनको फॉर्मूले याद नहीं होते। आपके पास ये बताइए आप युद्ध करने जा रहे हैं, आपके भाला में जंग लगी हुई है, कैसे कर लोगे भाई युद्ध, कितने से मारोगे क्या, ठीक है भाई। अगले स्टेप पे देखेंगे यहाँ पर, मैं आने लगा हूँ लास्ट वाला स्टेप है जो tan इनवर्स, ये हो गया बच्चों cos x / 2 प्लस sin x / 2 अपॉन cos x / 2 माइनस का sin x / 2, यहाँ cot से cot इनवर्स क्या हो गया sin and that is equals to x by 2, got it? Say yes or no? बात क्लियर है बच्चों? अगले स्टेप पे आते हैं बच्चों, इसको हटा दूं जरा मैं। देखो लेक्चर देखते रहना अच्छी बात है, लेकिन लेक्चर को नोट भी करते चलना चाहिए, आप लोगों के नोट्स भी बनते जाएंगे साथ साथ, नहीं तो आप पर्टिकुलरली नोट्स बनाने के लिए बैठोगे वो पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं आपको बता, मैं खुद भी करके देख चुका हूँ, सारी चीजें खुद पे इम्प्लीमेंट होती है देन फिर बोली जाती है। tan इनवर्स आपको पता है इस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे, थर्ड वाली पोजीशन से डिवाइड करते थे सभी को, तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करोगे बच्चों
ऐसे ही होगा कुछ। बहुत सारे बच्चे इसके बाद डायरेक्ट कंडीशन लिख देते हैं, भाई बोर्ड देने जा रहे हो आप लोग, तो बोर्ड में ये बच्चों ये चीजें नहीं चलती, डायरेक्ट मत लिखना। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट लिख देते भाई 10 π/4 + x/2 ना, गलत हो जाएगा, टीचर मार्क्स नहीं देगा आपको। बता बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 10 inverse 1 + 10 x/2 / 1 - 10 x/2 यहाँ है बच्चों x/2, ठीक है। कैसा लग रहा है चैप्टर, कमेंट किया करो, ग्रुप में बताया करो। मेरे पास कुछ 4-5 असाइनमेंट और है, कहो तो भेज दूंगा आप लोगों को और, ठीक है। ये चैप्टर को यहीं खत्म करके आगे चलते हैं। ये भाई 10 इनवर्स, ये फॉर्मूला बच्चों किसका होगा, ये फॉर्मूला होगा 10π/4 + θ की जगह आ गया बच्चों x/2, यहाँ है -x/2, 10 से 10 इनवर्स सॉल्व होगा बच्चों, दैट इज π/4 + x/2 - x/2, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, एंड दैट इज इक्वल्स टू π/4 एंड विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस क्या हो गया बच्चों प्रूव्ड, ठीक है। ये भी बच्चों क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया हमारा। अब क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों मैं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 28 27 तो मैं करा चुका हूं, और बाकी जो है 24 23 22 ये भी घटिया किस्म के क्वेश्चन है, आप लोग ये सारे कर चुके हैं। 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE बोर्ड में कई बार आ चुका है, और यहाँ पे 10 inverse x + 10 inverse y वाली वो आइडेंटिटी होती है जहाँ पे π + 10 inverse x + y / x1 - x y जब x y का मल्टीप्लिकेशन 1 से बड़ा होता है, वो वाली कंडीशन लगेगी। इसको रट लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से, पेपर में सीधे आएगा 4 marks का। अब क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 25 26 28, ये तीन क्वेश्चन बहुत शानदार है, जिसमें मैं 25 के लिए अलग मैंने लेक्चर बनाया उसको। 26 क्वेश्चन ले रहे हैं बच्चों और 28 ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, फटाफट नोट करिए इसको जल्दी से। आप लोगों को आपको प्रूव करना है भाई, साइन वाई बराबर होगा बच्चों 10² xy2 के, ये बच्चों आपको प्रूव करना है, ठीक है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमने आपको एक कंडीशन समझाया था जिसका मैं बाद में यूज करूंगा इसमें, वो कंडीशन ये बच्चों जैसे मान लीजिए a = π/4 है बच्चों मेरे पास, कल को यहाँ पर मैं दोनों तरफ साइन का मल्टीप्लाई करता हूँ तो साइन ए बराबर क्या हो जाता है, π/4, ये सही है कि नहीं है, ये सही है, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम कंडीशन मैं यहाँ पर रिपीट करूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको समझना था। आप लोग जानते हो यहाँ पर कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 10 inverse x + cot inverse x बच्चों बराबर कितना होता है, π/2 के, ये होता है। अगर मैं यहाँ से cot inverse इस पूरे को x मान लूँ तो cot inverse x के लिए क्या होगी, π/2 - 10 inverse x होगी कि नहीं होगी, तो y बराबर इस पूरे की जगह में क्या लिखूंगा बच्चों, दैट इज π/2 - 10 inverse √ बच्चों cos x, और यहाँ भी क्या है बच्चों 10 inverse और रूट के अंदर क्या दे रखा है बच्चों cos x, ठीक है। यहाँ आप देखोगे π/2 - 10 inverse कितना हो जाएगा 2 10 inverse एंड रूट के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों cos x, हो गया। अब भाई जो मुझे प्रूव कर रहा है वहां पे साइन वाई आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों दोनों तरफ साइन का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। साइन का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा एक टर्म होगा π/2 - 2 tan inverse रूट के अंदर बच्चों क्या हो गया cos x, ठीक है। यहाँ हो जाएगा बच्चों साइन वाई, ये वाला स्टेप जो है ये क्रूशियल स्टेप है इसका, साइन 90 इस पूरे को बच्चों अगर मैं थीटा मान के चलूँ, साइन 90 - θ जैसे इक्वल टू क्या होता है cos थीटा, तो cos के अंदर क्या आ गया 2 tan inverse √ cos x, ठीक है। ज्यादा कोई डाउट,
इसको अच्छे समझो भाई, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इसकी। अगर आप ऐसे ही मुंडा चले आए और ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अगले स्टेप में देखिए भाई, आप लोगों ने बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा है कॉस टू थीटा का। फॉर्मूला होता है 1 - tan² थीटा अपौन 1 + tan² थीटा। फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? अगर मैं यहां देखूं बच्चों, ये 2 है और ये पूरा अगर मैं थीटा मानूं तो कॉस 2 थीटा, यहां टेन वर्स है तो मैं चाहता हूं कि टेन ऐसा फॉर्मूला लगाऊं जिससे टेन वर्स कैंसिल हो, ठीक है। तो मैंने यहां पर इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुका हूं। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे जहां पे 2 था, कुछ क्वेश्चन आए थे जहां पे 1/2 था, उस तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं ये वाला तरीका अप्लाई कर रहा हूं। तो यहां मैंने क्या किया बच्चों, साइन वाई इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। फॉर्मूला क्या था, 1 - tan² थीटा की जगह बच्चों क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स रूट के अंदर कॉस एक्स, नीचे 1 + tan² tan इनवर्स रूट के अंदर कॉस एक्स, ठीक है। अब अगर आप लोगों को याद हो कि मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको, सेट स्क्वायर अंदर दे रखा था 10 - 2, तो वहां मैंने बताया था कि यहां पर ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं, इसका स्क्वायर लगा है वो इसमें पहुंच जाएगा, ठीक है। तो भाई यहां पर ये कितना हो जाएगा, साइन वाई इज इक्वल्स टू 1 - ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 + √cos(x) का होल स्क्वायर। तो साइन वाई बराबर 1 - cos(x), नीचे हो गया बच्चों 1 + cos(x). आप सभी जानते हो भाई, इन फॉर्मूले से परिचित हो, 1 - cos(x) कितना होता है बच्चों, 2 sin² x/2, नीचे कितना होता है बच्चों, 2 cos² x/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज 10² x/2। और यही आपको क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था, और यही हमारा क्या हो गया बच्चों, प्रूफ हो गया। कैसा लगा क्वेश्चन, अच्छा है क्वेश्चन? मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर ये वर्क करा दूं 26, उसके बाद ये असाइनमेंट हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और मैं जल्दी से जल्दी सोच रहा हूँ, एक आध क्वेश्चन मुझे लगता है थोड़े से और बचे होंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको पूरा खत्म किया जाएगा और उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चालू करते हैं बच्चों, ठीक है। लेक्चर बहुत खींच लिया हम लोगों ने, बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं, अब मेरे ख्याल से इतने आप बिल्कुल परिपक्व हो कि हम लोग इसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन चालू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हटा दें इसको, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर बच्चों 26, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार सीबीएसई बोर्ड ने पूछा भी गया है। 2 tan inverse रूट के अंदर 1 - a - b, a + b and tan θ/2। अब बेटा देखो, यहाँ पे थोड़ा सा होता है कि अप्रोच कौन सी लगा रहा है व्यक्ति। कई बार अगर आप दूसरा फॉर्म लगाओगे तो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा, समझ रहे हो। मैं यहाँ पर कौन सी अप्रोच लगा रहा हूँ आप वो देखो, आपको जो प्रूफ करना है बच्चों, इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपको जो प्रूफ करना है बच्चों वो है कॉस इनवर्स, दैट इज ए कॉस थीटा प्लस बी अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये दे रखा बच्चों, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना है भाई, कैसे प्रूफ करेंगे भाई, देखो यार यहाँ पर कोई सोच रहा हो 2 tan inverse x वाला फॉर्मूला लगा दो, 2 tan inverse x का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स एंड 1 - x² / 1 + x², ये लगा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। लगाओगे थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ठीक है। मैं कौन सी अप्रोच लगा रहा हूँ वो देखिए आप लोग, आप लोगों को भाई यहाँ पर लगाए से तो उससे भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेप ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं आपको जो अप्रोच लगा रहा हूँ वो देखो आप लोग, मैं अप्रोच कौन सी लगा रहा हूँ यहाँ पर, देखोगे आप लोग, आप लोग देखो भाई यहाँ पर 1 + cos θ बच्चों कितना होता है, 1 + 1 - कर देता हूँ, 1 - cos and 1 + cos कितना होता है बच्चों, दैट इज 2 sin² θ/2 और यहाँ होता है बच्चों 2 cos² θ/2, यही होता है। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ बच्चों, 2 से 2 कैंसिल आउट, sin / cos क्या हो जाएगा बच्चों, 10² θ/2, यहाँ कितना हो जाएगा 1 - cos θ / 1 + cos θ, यही हो। अगर मैं 10 की वैल्यू निकालूंगा बच्चों तो ये रूट इस पर आएगा,
तो टेन थीटा बाई टू की जो वैल्यू है बच्चों वो कितनी है, रूट के अंदर वन माइनस कॉस अपॉन वन प्लस कॉस। ठीक है, तो मैं जो सहारा लूंगा यहाँ पर वो इसका सहारा लूंगा। अभी फिलहाल मैंने फॉर्मूला लगाया बच्चों टू टेन का सहारा, मैं ये वाला फॉर्मूला ये वाली आइडेंटिटी एल एच एस लेके चल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया टू टेन का सहारा कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है ये पूरा का पूरा एक्स होगा, इसका स्क्वायर करूंगा बच्चों ये फ्री हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये हो जाएगा बच्चों टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस इसका स्क्वायर, तो ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। अच्छा स्क्वायर आना ही जरूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है, अरे फॉर्मूला नहीं पढ़ा तुमने, टू टेन इनवर्स एक्स का भाई कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा बच्चों काउंट होगा एज अ एक्स। मैं लगा वन माइनस इसका स्क्वायर करूंगा ये रूट है, रूट का स्क्वायर करूंगा बच्चों रूट हट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा टेन स्क्वायर, वन प्लस इसका रूट करूंगा हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर, यस और नो? ठीक है, इसको रख लो बच्चों, ये सब लिख लेना आपको। ये फॉर्मूला मैं बहुत पहले भी अप्लाई कर सकता था लेकिन मैं अप्लाई नहीं किया, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो धीरे धीरे आप जानोगे तो अच्छा रहता है, एकदम आ जाएंगी तो वो दिक्कत रहेगी। यहाँ पे हम लोग क्या लेके चल रहे हैं बच्चों, एल एच एस लेके चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जिससे मैं प्रूफ करना है। देखो प्रूफ करने का तरीका क्या था, पहली बात तो मुझे हाफ एंगल को हटाना था, अब मैं इसको हाफ एंगल को जब मैं मिला करूँगा तो कॉस इनवर्स यहाँ पे वन माइनस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, और इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आप लोगों को, इसका फॉर्मूला था बच्चों वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, यही था। नीचे आएंगे बच्चों वन प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, और फॉर्मूला क्या था बच्चों वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, आप देखना आप लोग डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा लेंदी होता है कि ये ज़्यादा सिंपल है, आपका लेंदी मेरा सिंपल। ठीक है, कॉस इनवर्स, अब बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, एक काम करता हूँ यहाँ पर मैं वन माइनस इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अंदर। ठीक है, मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा ए माइनस ए कॉस थीटा, माइनस बी का मल्टीप्लाई करूंगा माइनस बी इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का बी, माइनस बी का इससे मल्टीप्लाई करूंगा नेगेटिव नेगेटिव बी कॉस थीटा। ठीक है, नीचे क्या होगा भाई, नीचे होगा ए प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, सेम नीचे होगा डायरेक्ट वन प्लस, सेम ही है ऊपर लिख दो ए माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी प्लस बी कॉस थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा ए प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन हटा लो, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से जिससे मैं उसको रख करके आगे प्रोसीड कर सकूं। वीडियो बनाने की रिक्वायरमेंट इसकी बच्चों इसलिए है कि ये क्वेश्चन मालूम है समझा दिए आपको समझ में आ गए, बाद में कहीं दिक्कत होगी फिर कैसे समझोगे, वीडियो लेक्चर के थ्रू ये तो रहेगा कम से कम कि हमारे पास सेव है। हाँ भाई ये वाला स्टेप पढ़ रहे थे हम लोग, ये वाला समझ लेते हैं ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो भाई, अब इसका पता है क्या, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है आपको रियलिटी वाली बात। ठीक है, ये आ गया बच्चों ऐसे। अब एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ लिखो लेंदी जाएगा, नहीं यहाँ लिखना सही नहीं होगा, एलसीएम नंबर इधर जाएगा ए प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा, इस माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा सबके साइन चेंज होंगे, ये है, और इसके जो नीचे चलेगा बच्चों ये होगा ए प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, इसको लेंगे यहाँ पर, दोनों में थोड़ा सा अंतर रहे इसलिए इसको अपॉन फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसको मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ ब्लैक वाली लाइन से। ठीक है, दूसरे वाले का पोर्शन कितना होगा ए प्लस ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये कितना होगा बच्चों ए माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी प्लस बी कॉस थीटा, इसके अपॉन में क्या था यही था सब कुछ।
आप जो पहला वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना डायरेक्ट वाला, वहाँ ये था कि आपको बहुत सारे कन्वर्सेशन करनी पड़ती है, कन्वर्ट करना पड़ता है, या कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब कटापटी करें, पहली बात तो बच्चों ये पूरा दराशय हो गया, माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो गया, माइनस बी कॉस थीटा से बच्चों प्लस का बी कॉस थीटा कैंसिल हो गया। यहाँ देखोगे ए कॉस थीटा से ये गया और माइनस बी से बच्चों बी गया। ए कॉस थीटा बच्चों कितना हो जाएगा, 2a cos थीटा, नजर आ रहा आंसर आने वाला है। b plus b बच्चों कितना हो जाएगा 2b। नीचे देखो कि भाई a plus a 2a और भाई b cos थीटा कितना हो जाएगा 2b cos थीटा। दोनों जगह से ऊपर नीचे से 2 कॉमन निकाल देना, तो a cos थीटा plus b upon b a plus b cos थीटा and that is equals to क्या हो गया LRHS, hence proved। ये प्रूव करना था, एक बार देख लें, बिल्कुल सही बच्चों, यही हमें प्रूव करना था। तो मेरा वाला जो तरीका है बच्चों, उसमें सिर्फ आपको एक जगह ही बस थोड़ा सा दिमाग लगा के टेन स्क्वायर थीटा बाई टू कन्वर्ट करना था, बाकी आप लोग अपना तरीका लगाओगे उसमें आपको दो तीन जगह कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस मेथड का ये फायदा है और वीडियो के रहते हुए ये चीज़ें आपके पास हमेशा सेव रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 3 खत्म होता है। फिर भी अगर कोई किसी को डाउट हो क्वेश्चंस को लेके कोई भी, आप मुझे बताइएगा, मैं उसको देखूंगा, लाइव क्लास में ले लेंगे, नहीं तो उसको पर्टिकुलर वीडियो में ले लेंगे। ओके बच्चों, टिल देन, बाय बाय।